Hey guys, तो बेसिकली हमने देखा था iPhone SE 2020 और स्ट्रेंज बात यह है कि वो फोन काफी लोगों को पसंद भी आया था। बाय द वे मैंने ये मंगाया हुआ है बोट रोकस 335, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो इसको 5-4 दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ। जल्दी मतलब एक दो दिन में ही आपको इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी चैनल पे, तो उसके लिए पता है ना आपको क्या करना है, बस वो करके रखना। तो अभी इंतजार हो रहा है iPhone SE Plus, iPhone SE 3 का। अब iPhone SE 2020 की बात करूं ना, तब वो लॉन्च हुआ था एकदम हमारी एक्सपेक्टेशन वो बिल्कुल आसमान पे थी। अब उसमें मिला क्या, 4.7 इंचेस की डिस्प्ले जिसमें डिस्प्ले से ज्यादा बेजल्स दिखाई देते हैं हमको। दूसरी तरफ बैटरी 1821 mAh की, 1800 mAh की बैटरी कौन देता है। नोकिया के 2000 वाले फोन भी अभी जो आते हैं ना, उनमें भी ज्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और मतलब बैकअप तो ऐसा बैकअप, अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो पीछे से ढक्कन खोल के थूक लगा के डालोगे तो 15-20 मिनट का बैकअप और दे देती है वो। तो इतनी प्राइस रेंज में इन चीजों का क्या मतलब बनता है। बट आईफोन SE प्लस और आईफोन SE 3 के लिए लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ही कमाल के हैं एज यूजुअल। अब आईफोन SE 2020 में क्या खास था, ये बेसिकली बहुत ही कम प्राइस रेंज में आता था और कुछ टाइम पहले तो ये सेल्स में 29,000 का बिक रहा था और उस प्राइस रेंज में एप्पल का एक इकोसिस्टम मिल जाए आपको तो इससे बेस्ट आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। और एप्पल अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये चीज कर रहा है कि हाँ आईफोन 13 लाइनअप जो 2020 में हमको मिला वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन ऐसे लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आईफोन SE 2020 है, भले ही उसमें कुछ कमियां थी। लेकिन जो अपकमिंग आईफोन SE प्लस होगा वो आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लाइक का टारगेट है वो 1000 का, तो वीडियो को झट से लाइक कर दो और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसके बिल्ड एंड लुक की बात करूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी आईफोन्स में आ रही है वो है इसकी बड़ी सी नोच, और नोच को हटा भी नहीं सकते क्योंकि एप्पल आईडी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो फेस आईडी है। वो सच में एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है अगर iOS की बात करें, लेकिन वो जहां पे हम एंड्रॉइड में चले जाते हैं, एंड्रॉइड में भी कुछ फोन्स हैं लेकिन बहुत सारे फोन्स जो आ रहे हैं वो ओनली एक नाम के लिए कैमरा से अनलॉक कर देते हैं तो वो एक सिक्योरिटी नहीं मान सकते, और एप्पल अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा अप टू डेट रहते हैं। तो आईफोन 13 लाइनअप जो आने वाला है उसमें भी हमको नोच देखने को मिलेगी और आईफोन SE 3 जो आने वाला है उसमें भी हमको नोच देखने को मिलेगी। लेकिन आईफोन 13 लाइनअप का जो ऊपर वाला नोच है उसमें से स्पीकर गायब होके ऊपर चला जाएगा, उसके चलते तो फेस आईडी के सेंसर्स है ना वो पास पास आ जाएंगे और नोच छोटी हो जाएगी। ये चीज तो आपको आईफोन 13 लाइनअप में देखने को मिलेगी। लेकिन जो आईफोन SE प्लस होगा ना उसमें आपको देखने को मिलेगा पंच होल। जी हाँ, जो अभी 8-10 हज़ार रुपए में फोन में देखने को मिल रहा है ना एंड्रॉइड के फोन में, वो हमको पंच होल देखने को मिलेगा और ये जो नोच है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और ये आपको 2021 में नहीं, 2022 में नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में देखने को मिलेगा जिसमें पंच होल होगा और पूरी तरीके से आप इसमें बेजललेस एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हो। वहीं इसकी जो टच आईडी होगी वो साइड में शिफ्ट हो जाएगी, जैसे जो पावर लॉक अनलॉक बटन होता है उसके साथ देखने को मिलेगी, जैसे हमको आईपैड एयर में देखने को मिली है अभी। और सबसे बड़ा यहां पे ये निकल जाता है कि एप्पल के लिए कैसे पॉसिबल होगा पंच होल में शिफ्ट करना अपनी फेस आईडी को। तो आप थोड़ा सा गौर लगा के देखो, आईफोन ऐसी जो सीरीज आती है ना SE 2, SE 2020 जो भी है, SE 3, उसमें कभी भी हमको फेस आईडी का सपोर्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। यहां पे ओनली टच आईडी का सपोर्ट होगा और वो होगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के रूप में। अब आपसे बात करूं मैं इसकी डिस्प्ले की, जो आईफोन SE 3 होगा ना उसमें हमको सेम साइज की जो SE 2020 में देखने को मिली थी 4.7 इंचेस की एक LCD डिस्प्ले, वही IPS LCD डिस्प्ले हमको यहां पे देखने को मिलेगी SE 3 में। वहीं जो आईफोन SE प्लस होगा वो हमको देखने को मिलेगा 6.1 इंचेस की LCD डिस्प्ले के साथ। और अब बात करें इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो बेसिकली हमको इस साल का सबसे फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा जो 5nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है, और ये एक 5G स्मार्टफोन होगा जहां पे ये सब 6 और मिलीमीटर वेव 5G दोनों तरह के 5G को सपोर्ट कर जाएगा। यहां पे सब 6 का सपोर्ट मिलना वो भी इतनी कम प्राइस रेंज में, ये बहुत ही कमाल की चीज है। और जो एप्पल आईफोन 12 मिनी वाला लाइनअप तैयार कर रहा था ना छोटे फॉर्म फैक्टर में बनाने वाला, उसके जगह लेने वाले हैं ये आईफोन SE 3, आईफोन SE प्लस, क्योंकि बेसिकली यहां पे ना आईफोन 12 मिनी की सेल इतनी कम हुई है कि एप्पल ने उसके प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया है। लेकिन आईफोन 13 मिनी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि जो मिनी लाइनअप है वो हमको नहीं देखने को मिले, यही SE प्लस देखने को मिले, जिसके चलते यहां पे सब 6 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल की चीज है। और इसी के साथ एप्पल के साथ जो iOS के अपडेट्स देखने को मिलता है 5 ईयर्स तक,
ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज हो जाती है। और इसके साथ मैं बात करूं कैमराज की, तो बेसिकली अभी भी चांसेस हैं कि इसमें हमको सिंगल रेयर कैमरा ही देखने को मिले, वो होगा 12 मेगापिक्सल का एप्पल का स्टैंडर्ड लेंस, इसी के साथ f1.8 का अपर्चर ये साथ में लेके आएगा, और आगे की तरफ हमको 7 मेगापिक्सल का एक्सटेंडेड सेंसर देखने को मिलने वाला है। वहीं मैं आपसे बैटरी की बात करूं तो यहां पे 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अगेन ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 1800 mAh से तो बहुत बड़ी है, मतलब काफी कंपैरेटिवली बड़ा बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। और चूंकि इसमें 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनी हुई चिप डाली जा रही है, तो चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा ये आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे। और इसी के साथ ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, ऐसे हमको रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ IP68 वाटर एंड डस्ट प्रूफ ये देखने को मिलेगा, वाईफाई 6 का सपोर्ट होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5 हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। और अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो बेसिकली ये जो iPhone SE 3 है वो हमको फर्स्ट हाफ 2022 में देखने को मिलेगा, और जो iPhone SE Plus है वो चांसेस हैं कि हमको देखने को मिले 2023 में, फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। इसी के साथ इसके ओवरऑल थोड़े कंक्लूजन की बात की जाए, तो ऐसा कोई कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल एप्पल के जो डाई हार्ड फैन है ना, उनके लिए एक बहुत कमाल की चीज हो सकती है। लेकिन इन स्पेसिफिकेशन को, कैमरा और प्रोसेसर को टाल के बात की जाए एक ओवरऑल, तो ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 10-15 हज़ार रुपए के किसी एंड्रॉइड फोन में हमको देखने को मिलते हैं। तो बस यही है कुछ लीक्स और रूमर्स जो हमें बताते हैं कि बेसिकली जो अपकमिंग iPhone SE Plus, iPhone SE 3 होंगे वो किस प्रकार से क्या कुछ अपने साथ खास लेके आने वाले हैं। बस अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी के साथ करना है सब्सक्राइब। As usual, have a fantastic day, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तो तक के लिए बाय।